सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। पहले से कम बजट सिंध को दिया जा रहा है। चार साल पुरानी स्कीमों के लिए वही बजट है। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझ रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर सिंध को उसके हक से महरूम रखा जाता है। सिंध कौमी आमदन में 70% देता है और उससे बदले में अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अवाम को पता चल गया है कि हर इलेक्शन में इनके साथ क्या हो रहा है। 70% सिंध से जाता है रेवेन्यू, कौन सा एहसान कर रहे हैं? और ये बातें करना कि सिंध के लोगों को डिप्राइव करना, ये कह के कि फलाना चोर है फलाना डाकू है, अब ये नहीं चलेगा। लोग जानते हैं, वो तुम्हारा खेल जानते हैं और अभी पता चल गया हर इलेक्शन में जो इनके साथ हो रही है। जो इलेक्शन आता है, जो हालत होती है, उसमें जो इनके हाल हो रहे हैं, अल्लाह ताला करेगा कि उनको कुछ अकल आएगी कि जी हर एक को ऐसा ना समझे कि सिंध हमारा नहीं है, ये ना कहें आगे कभी ये कहने का मौका। मैंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से और उस फोरम से कि उस डिसेंटिंग नोट को इस NEC की कार्रवाई का हिस्सा बनाए ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि सिंध के साथ कैसी नाइंसाफी हो रही है।